पुराने रेट लिस्टा नहीं लाते उन्होंने रेटा च पैसे नहीं लेते उदों तक टोल प्लाजे खोले नहीं जाएंगे। सो उस करके सारे पंजाब के जेडे टोल प्लाजे हैं तकरीबन दोबारा बंद कर दिए। ये हम सरकार से डिपेंड है भी वह अज खोल दे कल चल जाएंगे जो भी वह रेट घटाएंगे टोल प्लाजे चल जाएंगे। नहीं तो फिर सूँ पता किसान ने भी मोदी ढा लिया स्टेट सरकार का तो चीके ही मरा देनी अपने। कारण सीगा जी तुसीं सुणिया होना जथेबंदियों वालों तकरीबन रोज़ बयान आ रहे हैं उपराह जथेबंदी वालों भी तो होर जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां वालों ये कहा गया कि जिवें हुण सरकार ने टोल प्लाजे चालू किए हैं उन्होंने 20-20 25-25 रुपये तकरीबन 30-30 रुपये वधा के लिस्टा लाइया। सो साडी पंजाब सरकार नूं इह हदायत सीगी कि जिहड़े रेट ने जो पुराने चल रहे सीगे उह रेट रहणगे इहनां नूं वधाया ना जावे इहनां नूं उसे रेटां ते चलाया जावे, परंतु हले सरकार ने मन्नी नहीं सीगी गल रेट नवे लाते सीगे। सो हुण जथेबंदियां ने फैसला किया कि जदों तक पुराने रेट लिस्टा नहीं लाते उन्हां रेटा च पैसे नहीं लेते उदों तक टोल प्लाजे खोले नहीं जाएंगे। सो उस करके सारे पंजाब के जेडे टोल प्लाजे हैं तकरीबन दोबारा बंद कर दिए गए। कितना समय होर लग सकता तुहानूं लगता है? इहदा जी हुण सरकार ते डिपेंड आ, ये हुण सरकार ते डिपेंड आ भी वह अज खोल दे कल चल जाएंगे जदों भी वह रेट घटाएंगे टोल प्लाजे चल जाएंगे। नहीं तो फिर सूँ पता किसान ने भी मोदी ढा लिया स्टेट सरकार का तो चीके ही मरा देनी अपने वोटा देने। पहले तो सर प्लाजा चल गए थे दिन मुगल 11:30 से 12 बजे के बीच में, लेकिन देर रात्रि किसान आए और उन्होंने ना के बंद करा दिया। कौन कौन सी जथेबंदी से किसान आए? जथेबंदी का सर मैंने कुछ पता नहीं, लेकिन किसान थे उनमें उन्हें भी थे। क्या मांग की उन्होंने जो अपने वो उनकी रेट की थी, लेकिन हमारे तो रेट रिवाज हुए नहीं, हमारे तो सिर्फ 5 रुपये रेट बढ़ा, कुछ प्रॉब्लम हमारी तरफ से तो है नहीं। इसमें पहले कितना रेट था जो इजाफा हुआ 5 रुपये का, वो कितना? सिर्फ 5 रुपये का MAV गाड़ियों में हुआ, कमर्शियल गाड़ियों में 5 रुपये। तो उससे पहले टोटल रेट क्या था एक साइड का? 170 रुपये था जी ट्रक का। अच्छा जी, अब 175 हो गया। और नॉर्मल जो पर्सनल व्हीकल्स थे उनका कितना था? उनका 50 रुपये था सर पहले, अभी 50 रुपये है। अप डाउन का? अप डाउन का 130 रुपये।